क्लास 10 चैप्टर 7 ओके सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला तो बेटा सभी को आता है। सेक्शन फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ चुके हैं वैसे ही। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या है, अगर आपके पास एक पॉइंट पी है जिससे कोऑर्डिनेट्स एक्स वन कोमा वाई वन है एंड सेकेंड पॉइंट इज बी एक्स टू कोमा वाई टू एंड द पॉइंट सी द डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट पी बी इन द रेशियो एम रेशियो एन। सो द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई इज, तो एक्स इक्वल टू एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन में एम प्लस एन एंड द वैल्यू ऑफ वाई इज एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन में एम प्लस एन। ओके एंड द वेरी स्पेशल केस ऑफ द सेक्शन फॉर्मूला इज मिड पॉइंट थ्योरम। सो इन मिड पॉइंट थ्योरम और एमपीटी द रेशियो एम रेशियो एन इंप्लाइज वन वन रेशियो वन एज एज द सी इज द मिड पॉइंट, एज द सी इज द मिड पॉइंट ऑफ पीबी। ओके सो देयरफॉर सी इज द मिड पॉइंट ऑफ पीबी। So the distance from P to C and C to B must be equal. Therefore, the ratio is 1 ratio 1. So the coordinates of x is x1 plus x2 divided by 2 and y is y1 plus y2 divided by 2. So ये कैसे आया बेटा? ये directly आपने क्या किया? जो values है m और n की यहाँ पर put कर दिया आपने 1 1 और अपॉन में 1 plus 1 2 आ जाएगा। तो ये इस type से आपके ये section formula से मिडपॉइंट थ्योरम का फॉर्मूला आपका बनता है। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट जो टाइप है ना, इम्पोर्टेंट टाइप ये है कि इफ यू हैव गिवन द एंड पॉइंट्स लाइक ए द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए आर एक्स वन कोमा वाई वन एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी आर एक्स टू कोमा वाई टू एंड इट इज गिवन दैट अ पॉइंट सी सी ओके पॉइंट सी जो है C lies on x axis, ऐसा भी गिवन है आपको क्वेश्चन में। C lies on x axis, okay. So as point C lies on the x axis, so the coordinates of x are, so coordinates of C are x comma zero, because on the x axis the value of y is zero. Now after that you have to find the ratio, m ratio n. What is the ratio that the C divides the line segment AB? Okay, so you can directly find the ratio within 10 seconds. Okay, within 10 seconds. The trick is, I'm explaining the trick here. Okay, so what is given in the question? मैं उसको पहले highlight कर रहा हूँ। Question में आपको A point और उसके coordinates given है, B point और उसके coordinates given है, और ये given है कि C lies on the x axis. है ना, y axis वाला concept भी वो भी करेंगे, ठीक है? So look here. By applying the section formula, by applying the सेक्शन फॉर्मूला फॉर वाई, बिकॉज वाई की वैल्यू क्लियर है ना आपको, ये एक्स वन ये एक्स और वाई, वाई की वैल्यू जीरो है यहाँ पर, तो वाई इक्वल्स टू एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन में एम प्लस एन। तो वाई वाई की वैल्यू कितनी है बेटा? वाई की वैल्यू जीरो है, ठीक है? द वैल्यू ऑफ वाई इज जीरो, एम एज इट इज वाई टू एज इट इज प्लस एन एज इट इज वाई वन एज इट इज अपॉन में एम प्लस एन। नाउ ये जो एम प्लस एन डिवाइड में है, साइड चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, सो जीरो इंटू एम प्लस एन इज इक्वल टू एम वाई टू प्लस एन वाई वन। तो ये हो जाएगा जीरो एम वाई टू प्लस एन वाई वन। साइड चेंज करेंगे तो माइनस एम वाई टू इज इक्वल टू एन वाई वन। ओके तो आप क्लियरली ध्यान से अगर देखेंगे इस चीज को, है ना, इस चीज को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये माइनस एम upon n is equals to y1 upon y2. So finally the ratio of m ratio n equals to minus y1 upon y2. मतलब कोई भी क्वेश्चन अगर आपको मिले और उस पे दिया हो कि पॉइंट आपका x एक्सिस पे लाई कर रहा हो, है ना, मतलब आपको y की वैल्यू जीरो मिल रही हो और फिर आपसे रेशियो पूछे, तो आप डायरेक्टली जो रेशियो है वो m ratio n वो लिख सकते हो माइनस y1 upon y2. ओके फॉर एग्जाम्पल एक मैं पॉइंट लेता हूँ, एक लाइन है, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट जो है वो थ्री कोमा माइनस वन और फाइव कोमा टू है। ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट,
बी पॉइंट, एक पॉइंट सी जो है ये इसको किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है, और ये सी पॉइंट लाइज ऑन द एक्स एक्सिस, ओके, इसके कोऑर्डिनेट चलो एक्स कॉमा जीरो है ना, कोऑर्डिनेट्स हैं सी के एक्स कॉमा जीरो. सो यू टू फाइंड द रेशियो एम रेशियो एन. सो वॉट यू टू डू, यू टू पुट लाइक दिस, एम अपॉन एन इक्वल्स टू माइनस वाई वन अपॉन वाई टू, ये आपको याद रखना है, माइनस द वैल्यू ऑफ वाई वन इज माइनस वन एंड द वैल्यू ऑफ वाई टू इज टू, सो योर रेशियो इज वन बाई टू. दिस इज अ डायरेक्ट मेथड, ओके, जो ऑब्जेक्टिव में बहुत हद तक हेल्पफुल रहेगी आपकी. अगर आपसे रेशियो पूछा तो आप इमीडिएटली रेशियो निकाल सकते हो, और रेशियो पूछने के बाद अगर आपसे एक्स की वैल्यू भी पूछी है उन्होंने, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स ऑल्सो, तो आपको पता है एम वन है और एन टू है, तो एक्स कितना होता है एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन में एम प्लस एन. तो वैल्यूज आप यहाँ पर पुट कर देंगे, एम की वैल्यू वन है और एक्स टू की वैल्यू फाइव है, फाइव वन जा फाइव प्लस एन की वैल्यू टू और एक्स वन की वैल्यू थ्री, थ्री टू जा सिक्स अपॉन टू प्लस वन थ्री, सो द वैल्यू ऑफ एक्स इज 11/3, that is your answer. Okay. Yes. So next जो trick है similarly वो इसी type की trick है ना. इसमें क्या है कि अगर आपके पास दो point है, एक point A जिसे coordinates x1, y1 ये आपको given है, एक point B x2, y2 ये भी आपको given है, और ये given है कि C point जो है C lies on y axis. So if the point C lies on y-axis, then the coordinates of the C are 0, y, because on the y-axis, the value of x is 0. Now, you have to find m and n. ठीक है, जो pink वाला जो भी portion यहाँ तो आपको given है, तो आपको m और n ratio निकालना है. तो m ratio n कितना आएगा? Minus. देखो यहाँ पर, देखो समझना इसको. यहाँ पर कितना था? Minus y1 upon y2. तो यहाँ पर आ जाएगा minus x1 upon x2. बस y को रिप्लेस कर दो, आपका रेशियो आ जाएगा. ठीक है, तो अगर कोई क्वेश्चन आपके पास इस टाइप से आता है, जैसे कि एनसीईआरटी में भी एक दो क्वेश्चन है इस टाइप के मिलेंगे आपको. ठीक है, इफ द वैल्यू ऑफ a इज माइनस थ्री कोमा टू एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द b आर फाइव कोमा वन, ओके, एंड द पॉइंट c व्हिच लाइज ऑन द y एक्सिस हैविंग कोऑर्डिनेट जीरो कोमा y, फाइंड द वैल्यू ऑफ y. यू हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट y, आपको कोऑर्डिनेट y फाइंड करना है. ओके, you have to find the coordinate y. So first of all, you have to find the ratio. So m upon n kitna ho jayega? Minus x1, x1 kitna hai? Minus 3 upon x2 kitna hai? 5. So you cancel, so 3 by 5 is the ratio. Okay, now after that you have to find the y coordinate. Okay, so y kitna hota hai? My2 plus ny1 upon m plus n. So y is equal to, okay, the value of m is 3 and the value of n is 5. Now, 3 1s are 3 plus 5 2s are 10 upon 3 plus 5 8, that is 13 by 8 is the y ordinate. Okay, the value of y ordinate is 13 by 8.